एदले मुश्किल चॉइस तो मेरी नहीं थी क्योंकि इवेंचुअली क्रिएटर्स जो चैनल डिसाइड करते कौन से गाने पे गाना है एक्टर्स को, तो एदले मुश्किल सेलेक्ट किया क्योंकि इट रिलेट्स विद द यूथ इज वेल एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स लास्ट ईयर एंड दिस ईयर एंड आई थिंक इट्स माई फेवरेट सॉन्ग, तो एदले मुश्किल। हाँ मतलब बेटा दिल्ली से वापस आया है कानपुर, फैमिली के साथ तो रहा ही नहीं है, आया झगड़ा करके निकल गया, तो जब आया है फिर भी किसी और को ताड़ रहा है, तो ताई जी थोड़ी खफा है उसको लेके, बट आई थिंक ताई जी इस बात से खफा है कि आई एम गेटिंग एडमायर्ड एंड आई एम गेटिंग टोटली ब्लोन ओवर बाय एन एल्डर वुमन, जो जैसे ताई जी रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी, तो हमारा जो समाज है ऐसी चीज़ों को लेके काफ़ी डेलिकेटली सोचता है, तो वो ये सोच रहे होगी कि कहाँ पड़ गया ये 42 साल की औरत के पीछे एंड ऑल दैट, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये सभी चालू है, विच आई थिंक हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं होगा। मैंने नहीं मैं ज़्यादा मैं खाली बाथरूम में भी बहुत कम ही गाता हूँ, मैं जब बाइक चला रहा होता हूँ हेलमेट के अंदर ईयरफोन्स लगा के, किसी को बोलना नहीं वरना पुलिस वाले पकड़ेंगे, बट हालांकि गाड़ी में खाली हेलमेट के अंदर गाता हूँ ताकि कोई मुझे देख नहीं पाए सुन नहीं पाए, क्योंकि सुन लेंगे तो फिर दोस्ती तोड़ देंगे, देख लेंगे तो फिर एक्चुअली देखेंगे तो फिर दोस्ती करेंगे, क्योंकि एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी करता हूँ गानों को लेकर, बट ये मेरा पहला एक्चुअली एक्सपीरियंस है गाने का, तो लेट्स सी इफ इट गोज़ वेल। थैंक यू।